रेडी स्टार्ट करते हैं। सो हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर वन राइट, क्वेश्चन नंबर फोर ऑल्सो डन, एग्जाम्पल सेवन फर्स्ट सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट बोथ आर डन, क्वेश्चन नंबर थ्री डन, क्वेश्चन नंबर फाइव डन, क्वेश्चन नंबर 21 बेटा क्वेश्चन बहुत टफ है, ध्यान से देखना कैसे होगा, मैं देखना क्या आप ही से पूछता हूँ बेटा। तो मैं सबसे पहले अपने फेवरेट बॉय से पूछता हूँ, एकाग्र आपके पीछे बताइए आप कैसे होगा। राइट एनीवन एल्स साइन इनवर्स, एक बात सुन लो, एक लाइफ में ना कसम खा लो, क्या खानी है, क्या खानी है कसम, नेशनल फूड है इंडिया का, ठीक है, हाँ आपको नहीं पता ना, कसम खानी है क्या, जब भी इनवर्स आ जाए तो मान के चलना इनवर्स सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा ही आएगा, ये हमने इनवर्स देखो में पढ़ा था, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लाऊं, सोचो मैं बताऊं बेटा, एक बात बताओ कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाय टू साइन 90 माइनस थीटा, बोलो लिख सकता हूँ, साइन साइन कट जाएगा, पाई बाय टू माइनस एक्स, पाई का इंटीग्रेशन क्या होगा पाई बाय टू का, बोल के पाई बाय टू एक्स, और एक्स का एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, कॉन्स्टेंट के साथ एक्स लग जाता है, भूल गए, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, आई इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, आई डोंट नो मैंने लिखवाया था नहीं लिखवाया था, बट मैं अब लिखवाने जा रहा हूं, आई गेस मैंने लिखवाया नहीं है, वन माइनस कॉस एक्स का है ना, तो पहले नोट्स में डाल लेते हैं, आइए बेटा आपको याद होगा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है कॉस थीटा फॉर्मूला, एक बार लिखवा दे सारे, अभी तक कितने लिखवाए हैं, छह लिखवाए हैं ना शायद मैंने, एक लिखवाया साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, फिर वो लिखवाए हैं साइन टू थीटा लिखवाए हैं, कॉस टू थीटा भी लिखवाए हैं, ठीक है तो और लिख लो फॉर्मूलास, अब इसे रट लो जो मर्जी समझो जैसे मर्जी करो, आपको याद ही होगा हमने पढ़ा था कॉस टू थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, प्राची प्राची कॉस टू थीटा किसके, एंड कैमरा ऑन करिए अपना, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है अगर मैं इसको क्या कर दूं बेटा, इधर शिफ्ट कर दूं और इसको इधर शिफ्ट कर दूं, क्या बनेगा टू साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल्स टू वन माइनस कॉस टू थीटा राइट मेरे बेटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, या चलो ऐसे ही रहने देते हैं ऐसे, तो आपका क्या बन रहा है वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, एग्जैक्टली इसको अच्छे से याद कर लो, अगर यहां टू थीटा था ठीक है ये थीटा है ध्यान रखना, यहाँ टू थीटा तो यहाँ पे थीटा, यहाँ तक क्लियर बेटा, नेक्स्ट इसी तरह डायरेक्ट लिख दो आप आगे वन प्लस कॉस थीटा का, या पूरा सिखाऊं कैसे बनता है, वन प्लस कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, बोलो यहां तक क्लियर बेटा, अच्छा एक और फॉर्मूला जो मैंने इनवर्स को पढ़ाते हुए बताया था, क्या वन माइनस
साइन थीटा ये किसके इक्वल होता है काकरक, जो तक कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू का होल स्क्वायर, याद आया? और एक मिनट मेरे बच्चे, प्लस नहीं माइनस, इसी तरह वन प्लस साइन थीटा जो तक कॉस थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू का होल स्क्वायर। किसी को उसकी डेरिवेशन जाननी है, बना कैसे, क्या प्लस था वो, मैंने शायद बोला प्लस और माइनस दिया, राइट। मैं पूछ रहा हूँ कि किसी को जाननी कि डेरिवेशन बना कैसे ये वाला फॉर्मूला, एनीवन, या सबको याद है? चलो हाँ, डेफिनेटली आप लेट ज्वाइन हुए तो आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहले वाले की क्लियर होगी, दूसरे वाले की बताऊँ, ये भी हो गई क्लियर, तो अब इसकी बात करते हैं। आओ बेटा, आपका फेवरेट कलर पिंक, ठीक है, वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, बेटा वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वेट, कैन आई राइट साइन स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, यस और नो, लिख सकता हूँ, और इसके ऊपर क्या लगा दू, साइन टू थीटा। अब आप बोलोगे कैसे, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो, हाफ एंगल फॉर्मूला, टू साइन थीटा बाय टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर यहां कर दूं थीटा तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, थीटा बाय टू, राइट, तो ये हो जाएगा मेरा टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। जरा नोटिस करो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, गॉट इट और कंफ्यूजन, कंफ्यूजन पूछो डाउट, श्योर शुड और नॉट, वन माइनस कॉस एक्स बेटा क्या बन जाएगा, डायरेक्ट बना दो, टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, यहां टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, टू से टू कैंसिल, राइट, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर बेटा क्या होता है, टैन स्क्वायर, टैन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, टैन एक्स बाय टू, वेट, अपॉन वन बाय टू, भूल गए, याद आ गया बेटा, देखो सेक्स स्क्वायर क्या होता है, टैन, और एक्स बाय टू का डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हम लोग, क्लियर। अच्छा वन का बेटा इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, टू टैन एक्स बाय टू माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। हाँ बच्चे ने कहा पावर है लीनियर छोड़ना है बेटा, थीटा देखो सेक्स स्क्वायर होता ही थीटा है, सेक्स स्क्वायर एक्स का होता है ना इंटीग्रेशन, एक्स क्या है, एक्स एक्स क्या है, एक्स लीनियर, पॉइंट क्लियर, चलू आगे। बेसिकली इसकी पहचान बताऊं, पहचान कैसे हो रही है, अगर आप नोटिस करो, इसका मान लो मैंने बोला आपको साइन टू एक्स, पहले तो एक नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स का होता है, साइन टू एक्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू, राइट, यहाँ पे लीनियर, पर साइन स्क्वायर इसका नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर आ गई, राइट, इसी तरह साइन एक्स स्क्वायर इसका भी नहीं हो सकता, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अच्छा अब देखो सेक्स स्क्वायर की बात करते हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टैन एक्स, राइट, सेक्स स्क्वायर टू एक्स कर दू क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो लीनियर ही है, टैन टैन टू एक्स बाय टू,
पर अगर ये मैं कर दूं sec square x square, अब नहीं हो पाएगा, पॉइंट क्लियर। हमने वेरिएबल को देखना है कि वेरिएबल क्या है बेसिकली हमारा, वेरिएबल लीनियर है तो कोई इशू नहीं है, वेरिएबल की पावर आ गई तो इशू है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा हमारा? अच्छा इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है, जानना है या आप लोग बताना चाहोगे कैसे कर सकते हैं? एनीवन? हाँ हाँ बोलो बोलो प्राची, आपसे पूछते बेटा कैसे करें ऑल्टरनेटिव इसका। एनीवन? रैशनलाइजेशन, अगर मैं इसे रैशनलाइज कर दूं तो कैसे? वन माइनस कॉस एक्स है, वन प्लस कॉस एक्स, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं? वन माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर क्या बन गया? वन माइनस कॉस एक्स का, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? वन का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा? वन माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, राइट। अब क्या करूं सर, अब कैसे सॉल्व करूं? ओ साइन एक्स को टी ले लेंगे। एनीवन एल्स, कोई और थोड़ी सी अक्का लगाओ, समझ आ जाएगा। वन बाय साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर, ओके उससे होगा क्या फिर? नो आइडिया, ऐसे ही लगेगा। कोई और बताओ, नेक्स्ट पेज पे ले जाऊं या अभी? चलो इसे ओपन कर देते हैं, ओपन कर दो ना, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, राइट, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां तक क्लियर है बेटा, यस और नो? यस और नो? सेपरेट कर दो ना, देखो कैसे बेटा, वन के नीचे साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, देखो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, इसके अंदर करो, लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस टू ए माइनस टू कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, देखो कॉस एक्स स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन मेरे लिए दो मिनट का है, क्या कॉट स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन? कॉट स्क्वायर का होता है नहीं, कॉट स्क्वायर के लिए क्या करते हम? अच्छा एक बात बताओ, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है मेरे पास? सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक मिनट, एक बार में होता है? बिल्कुल सही का होता है, बिल्कुल, कॉट को हम कॉस एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे? आइडेंटिटी क्या होती है? सॉरी दोबारा बोलो, एंटिटी हाँ अब ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, तो ये क्या हो जाएगी? कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, और इसको बेटा क्या लिख सकता हूँ? कैन आई राइट टू कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस बाय साइन बेटा क्या होता है? कॉट, क्योंकि टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस टू
कॉट एक्स कॉस सेक एक्स। अब तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, हो जाएगा। लिखी देता हूँ, इतनी से क्या रुकना। अब कॉस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट माइनस टू कॉट एक्स माइनस एक्स, इसका कर दो कॉट एक्स कॉस एक्स, एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो प्लस हो जाएगा प्लस टू कॉस एक्स एक्स प्लस सी। बोलो यहां तक क्लियर? ओके आप पहले नोट करने का टाइम देते हैं फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो इसके बाद जिसका हो जाए वो क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करें। आपको स्पेशल पॉइंट तो मिल ही गए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये पॉइंट लिख लो कि आपने क्या क्या चीजें सीखी नहीं। आपने क्या सीखा, एक बेटा रैशनलाइजेशन सीखा, इसे भी डाल लो अपने स्पेशल स्टेप्स में या स्पेशल पॉइंट में। कहाँ डाले, यहाँ पर डाल लेते हैं, कोई कलर दूसरा ले लेते हैं, स्पेशल पॉइंट। और बेटा मैं आपको एक चीज बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपने पास मल्टीपल कलर के पेन्स रखें, सिर्फ एक ब्लू से पेपर वाली आदत ना चलाए, ठीक है, क्योंकि कलर्स का इम्पैक्ट पड़ता है। आपको ये देखने में फिर भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता होगा, ओके बस हमने देखो तो और भी अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। और यही मैं अगर आपको दिखा दूं ऐसा प्योर वाइट गलती से, तो यू विल फील लाइक ब्लैक बोर्ड, अगर किसी ने ब्लैक बोर्ड पर कभी पढ़ाई करी है तो। एनीवे स्पेशल पॉइंट क्या है, हमने क्या सीखा बट एक नया पॉइंट, रैशनलाइजेशन भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। ठीक है, इसे नोट करते हैं, जिसका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करें राइट नाउ।